हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी इलेक्ट्रो बाय विजय में। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि समर्सिबल मोटर रिवाइंडिंग करने में लगने वाले सभी टूल्सों के बारे में। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारे प्लास्टिक यानी कि रबड़ की हथौड़ी, जिसका हम प्रयोग समर्सिबल मोटर के कोयले को ठीक करने में करने वाले दोस्तों। ये हमारे पनडुब्बी मोनो सभी तरह के समर्सिबल मोटर में काम आने वाली है। फ्रेंड्स, ये हमारी छीनी। फ्रेंड्स, हम इस छीनी का काम लेंगे एम्पुलर वगैरह खोलने के लिए। ये हमारे एम्पुलर खोलने में काम आने वाला है। फ्रेंड्स, ये हमारी पिंच दोस्तों, इन पिंचों का हम आगे बहुत काम लेने वाले हैं। ये हमारे पास सभी साइजों में मौजूद है। ये हमारे पास V9, V6, V4, V3 पनडुब्बी मोटर आदि हम सभी में इसका काम लेने वाले दोस्तों, इन पिंचों का। यह दोस्तों हमारी हथौड़ी, जो कि हमारे आगे मैकेनिक कंट्रोल में काम आने वाली है। फ्रेंड्स, इसका हम आगे आपको कभी बताएंगे फिर बाद में। फ्रेंड्स, ये हमारा 28 और 25 का एम्पुलर पाना, जिसका प्रयोग हम पनडुब्बी यानी कि मच्छी मोटर के एम्पुलर वगैरह खोलने में काम लेने वाले हैं। और इसका हम V7 यानी V9 का एम्पुलर का जो बोल्ट होता है पंखे का, उसको भी हम इसी से खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी समर्सिबल मोटर जो जल जाती है, उसके पत्ते वगैरह जिसको किमची को निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ टूल्स पाने जो कि हमें समर्सिबल मोटर, पनडुब्बी मोटर, मोनोब्लॉक सभी मोटर को खोलने में काम आने वाले पाने हैं। फ्रेंड्स, हमें भी इनके आगे बहुत ज़रूरत लगने वाली है। फ्रेंड्स, उसके बाद ये फ्रेंड्स आरी पत्ती, जिससे कि हम किसी चीज़ को बूझ वगैरह अगर कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हो, इसको हम सही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके माध्यम से ये भी हमारे मैकेनिक कंचर में बहुत काम आने वाली। फ्रेंड्स, ये हमारी इंचेस, जिसको हम स्लाइड वगैरह साइज वगैरह नापने में काम लेने वाले हैं। ये हमारा पिंचेस दोस्तों, पिंचेस का आप जानते हैं कि बहुत काम आता है मैकेनिक लाइन में। ये होता है हमारा नोच पिलार। फ्रेंड्स, ये हमारा लॉक निकालने का पिलार दोस्तों, जिससे कि हम समर्सिबल मोटर के थ्रस्ट प्लेट लॉक निकालते हैं। इससे फ्रेंड्स थ्रस्ट प्लेट लॉक निकालने का काम आता है। ये हमारा वायर कटर। फ्रेंड्स, इससे हम वायरिंग, जली हुई वायरिंग को काट सकते हैं। उसी के साथ साथ में फ्रेंड्स, ये है हमारी मोनोब्लॉक की वायरिंग काटने या सीलिंग फैन या फिर कूलर मोटर की वायरिंग काटने में काम लेने वाले। ये हमारा पेचकस। फ्रेंड्स, जिसका आप सभी जानते हैं कि ये भी हमारे बहुत काम आने वाला है। फ्रेंड्स, और हमारे साथ में ये हमारे पास डिजिटल वर्नियर, जिसका हम वायर गेज नाप सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको हम MM और इंचिस दोनों में हम इससे वर्नियर से वायर गेज नाप सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे इंचिस में भी आ जाता है और MM में भी आता है। फ्रेंड्स, इसे हम यहाँ से जीरो कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ ऑन करके। इसको हम फिर कभी आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि इससे वायर गेज कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारा स्टील वायर ओरिजिनल जो। फ्रेंड्स, इससे हम ए नंबर और SW दोनों में हम इससे वायर गेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम इंचिस में नहीं कर सकते, इसमें हम सिर्फ MM और उसमें कर सकते हैं। ये हमारी रबड़ की, जो कि हमारे मोनोब्लॉक मोटर की वायरिंग को ठीक करने में काम आने वाला है। फ्रेंड्स, इसका भी हम बहुत काम लेते हैं। तो ये है फ्रेंड्स हमारे बोटी पाने का सेट, जो कि हम इससे समर्सिबल मोटर के बोल्ट वगैरह खोलने में काम लेने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास चेन ग्रुप में है। फ्रेंड्स, इसको हम आसपास घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, जिससे हम सब कुछ आसपास चारों ओर घूम सकता है। फ्रेंड्स, ये लॉक में आता है, जो कि हमें आगे मैकेनिक लाइन में ये भी हमें काम देने वाला है। फ्रेंड्स, साथ साथ में हमारे पास और एक और है एलेंकी पाने का सेट है। फ्रेंड, जो कि हमारे V9 और समर्सिबल V3 V4 के बोल्ट वगैरह V9 के थ्रस्ट प्लेट खोलने में काम आने वाला है। फ्रेंड्स, ये है हमारे पास, जब हम समर्सिबल मोटर पनडुब्बी मोटर ग्राइंड करते हैं, तो जब कुछ वायर ऊपर रह जाते हैं, तो उन वायरों को ये अंदर दबाने के लिए काम आने वाला है। फ्रेंड्स, ये हमारा रबड़ के साथ में काम आता है। फ्रेंड्स, जो कि हमारे वायरों वगैरह डंडा है, जो कि हमारे वायरिंग ठीक करने में काम आने वाला है। फ्रेंड्स, जो कि हमारी समर्सिबल मोटर की वायरिंग हम इसी से सही करने वाले हैं।